उत्तर गुजरात में बड़नगर एक बहुत बड़ा टाउन है और फुट हिल्स में है, अरावली और कोस्ट के बीच में। कृपेन नदी हमें दिखाई देती है, साबरमती नदी आज 14 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा आगे जाओ तो समुद्र है, बहुत बड़ा माउंट के ऊपर है आज का जो शहर है। मनुष्य के बार बार निर्माण कार्य से नए एडिशंस हुए जो आज हमें एक 24 मीटर का माउंट देखने को मिलता है। वडनगर इज अ लिविंग टाउन एंड आर्कियोलॉजिकली हैविंग ए लॉन्ग हिस्ट्री। इसको स्कंद पुराण में बोला गया है, बौद्धा धर्म सूत्र में बोला गया है। विद्वत्ता के लिए जाना जाता है, ब्राह्मणों के लिए जाना जाता है, अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। Very complicated and very sophisticated temples were being built there. बौद्ध धर्म बड़े रूप में यहाँ पे फैला हुआ था। जैनों का जो धर्म ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसकी प्रथम वाचना वडनगर में की गई थी। यहाँ सभी धर्मों के लोग बड़े आराम से रहते थे। One of the most important land ports of the country, वडनगर स्थलपट्टन। So places like वडनगर must have faced the attack immediately. Monasteries and temples were destroyed. वडनगर में देख सकते हो 2200 साल में क्या क्या डिफेंस को लेके बदलाव किया गया। ये शहर 7 बार गिरा है, 7 बार खड़ा हुआ है। वडनगर के लोगों ने सिस्मिक इवेंट एक्सपीरियंस किया है। People were so resilient that they not only have learned, they have also coped up. Environmental engineering वडनगर का इतिहास हमें बताता है। इस जगह में कोई स्पेशल टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से ये खत्म नहीं कभी हुआ। कि ये बस्ती अभी भी निरंतर चल रही है, एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है उन लोगों की जिन्होंने इसकी स्थापना की है। कि हमें अर्लीस्ट डेट देखना है कि मनुष्य के प्रथम कदम वडनगर में कब आए हैं। आपने कुछ देर पहले वडनगर को आकाश की ऊंचाइयों से देखा, पर इसका असल इतिहास तो धरती की गहराइयों में छुपा है। इतना गहरा कि कल्पना नहीं की जा सकती, और अति विशेष इसलिए क्योंकि यह भूमि अपने शुरुआत से लेकर आज तक कभी मानव रहित नहीं हुई, जीवंत रही। कोई बड़ा शहर या महानगर नहीं, एक छोटा सा नगर है वडनगर, पर इसका इतिहास बड़े बड़ों से बड़ा। भारत के मदुरई, उज्जैन, पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ और काशी की तरह वडनगर को शाश्वतता की उपाधि दी गई है। कारण इसका अटूट होना। एक ऐसा स्थान जहां बसा जीवन शुरुआत से अब तक सैकड़ों वर्षों से निरंतर है। ये भारत है श्रीमान, यहां हर मोड़ पर एक कहानी तो हर छोर पर इतिहास छुपा है। सादर प्रणाम, मैं आपका सूत्रधार मनोज मुंतशिर शुक्ला आज वडनगर के भीतर छुपे रहस्यों की अनोखी यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। ऐसे रहस्य जो ना कभी सुने गए ना देखे गए।
भारतीय पौराणिक इतिहास महाभारत में आनर्त क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रसंग मिलते हैं। आनर्त क्षेत्र जो आज के समय का उत्तर गुजरात है और इसी क्षेत्र में बसा है वडनगर, जिसे आनर्तपुर भी कहा गया है। आनर्त क्षेत्र और आनर्तपुर, ये संयोग है या कोई जुड़ाव, ये खोज का विषय है। सन 1947 में हुए भारत विभाजन के बाद मोहनजोदड़ो